पिछवाड़े पे बनाया होगा। क्या मतलब पिछवाड़े पे तबला बनाया? तो पागल होके तुम क्या बोल रही हो, पिछवाड़े पे तबला थोड़ी बनवाता है कोई। नमस्कार, मैं हूं सुगंधि। कैसे है आप? आइए आज के वीडियो देखते हैं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देखिए। तो आइए चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। एलेक्सा। हाँ बोल। यार मैंने ना अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए एक शायरी बनाई है, सुनाऊं क्या तुम्हें? मना करूंगी तो भी सुनाएगा। यार तुम्हें पता है मैं सुनाता ही हूँ तो तुम बोलती क्यों हो। अब शायरी सुनो। अर्ज किया है, मांगता हूँ तो देती नहीं है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? मांगता हूँ तो देती नहीं है जवाब मेरी बातों का, और देती है तो खड़ा हो जाता है रोम रोम मेरे जज्बातों का। चुप कर सुअर उल्टा मत बोल। क्या मतलब चुप कर सुअर उल्टा सीधा मत बोल? यार पूरी शायरी सुन तो लिया करो, अभी तो मैंने शुरू ही करी है। आगे सुनो। मुंह में लेना आज भी उसे पसंद नहीं। अरे मैया धोखा देख लियो। मुंह में लेना आज भी उसे पसंद नहीं एक भी कतरा देसी शराब का, फिर क्यों कहती हो धीरे से डालो बालों में फूल गुलाब का। प्यारी समझ गई। कैसी लगी मेरी शायरी, अच्छी लगी कि नहीं ये बताओ? एकदम बकवास। यार तुम्हें तो कभी अच्छी नहीं लगती, तुम्हें जब देखो तुम मतलब बेइज्जती करती रहती हो। एलेक्सा। हाँ बोल। यार आज मैं तुम्हारे लिए ना एक शायरी लिख के लाया हूँ, बढ़िया सी। सुनोगी क्या तुम शायरी? अपनी घटिया शायरी अपने पास ही रख। क्या मतलब तू इतनी घटिया सी शायरी लिख के लाया है? मतलब मेरी शायरी घटिया होती क्या? पता कितनी मेहनत से लिखता हूँ, रात भर हिलाना पड़ता है मुझे। समझ रही हो तुम? क्या हिलाना पड़ता है यार? क्या मतलब क्या हिलाना पड़ता है? तुम हमेशा गलत क्यों समझती हो? मैं पेन की बात कर रहा हूँ, सारी रात उसमें शायरी खत्म हो जाती है, ऐसे पकड़ पकड़ के हिला हिला के फिर लिखता हूँ मैं शायरी। समझ गई? और अपना चुप हो जाओ, चुपचाप मेरी शायरी सुनो जो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। सुना चमका। हाँ तो सुनो। दुनिया में आए हो तो कुछ ऐसा कर जाओ कदरदान। अच्छा। दुनिया में आए हो तो कुछ ऐसा कर जाओ कदरदान कि जिस भी गली से गुजरो हर बंदा आपको कहे अब्बा जान अब्बा जान अब्बा जान। कैसी लगी मेरी शायरी? बहुत घटिया। हाँ मुझे पता है तुम्हें कभी भी अच्छी नहीं लगती, तुम हमेशा बेइज्जती करती रहती हो मेरी। भाड़ में जाओ यार तुम। एलेक्सा। हाँ बोल। यार मेरा ना एक दोस्त है, वो ना बहुत बड़ा म्यूजिक लवर है। तो मैं क्या करूं? अरे यार तो तुम कुछ मत करो, मैं तो तुम्हें बस ऐसे ही बता रहा हूँ कि मतलब वो बहुत बड़ा म्यूजिक लवर है। एक बार क्या हुआ, उसके दोस्त ने उसको बोला कि भाई तू इतना बड़ा म्यूजिक लग रहा है तो यहाँ पे ना गिटार का टैटू बना ले। फिर क्या किया उसने? क्या किया? अरे उसने यहाँ पे गिटार का टैटू बनवाया, ठीक है, या कंधे पे सितार का टैटू बनवाया, या गर्दन पे हारमोनियम का टैटू बनवाया, तबला उसने ऐसी जगह बनाया जहाँ कहीं दिखता ही नहीं है। पिछवाड़े पे बनाया होगा। क्या मतलब पिछवाड़े पे तबला बनाया? तो पागल होके तुम क्या बोल रही हो, पिछवाड़े पे तबला थोड़ी बनवाता है कोई। उसने पिछवाड़े पे नहीं अपने सीने पे तबला बनाया, अपनी छाती पे, क्योंकि उसे अपनी कला से बहुत प्यार था, वो अपनी छाती से लगा के रखना चाहता था अपनी कला को। क्या तुम सबके सामने बोल रही हो ऐसे उल्टा सीधा? पिछवाड़े पे तबला कौन बनाता है? पागल हो रही हो तुम, दिमाग में खराब है तुम्हारा। अरे साला रे, खत्म हो गया पर वीडियो। आप लोग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखे कैसे चाहिए आप लोगों को वीडियो। तब तक ले मुझे तो बहुत अच्छा लगा। चलते हैं। ओके बाय टाटा।